दिल तू बनौला हो ऊपर से प्रीत के रोग धरा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग जो एफिलिएट टेम्पलेट देखा वही वाला आज आपको टेम्पलेट देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम में मेरे ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर फोर के फोटो मिलता रहता है स्टेटस वीडियो बनाने के लिए। तो चल जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर टेम्पलेट भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट का लिंक मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा से फाइल मैनेजर ओपन करना है, ओपन करने के बाद फोन स्टोरेज में चले जाना है और डाउनलोड करके जहाँ भी रखे होंगे उसको ले लेना है। तो विजुलाइजेशन 57 के नाम से होगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो होगा 4 नंबर पर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और एप प्लेयर का लोगो आ जाएगा, एप प्लेयर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल का आइकन ऊपर में शो होता होगा, आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा और योर इमेज जो 1 दिख रहा है उस पर आपको फर्स्ट में क्लिक करना है। फर्स्ट में क्लिक करने के बाद जनरल पर आपको दिख रहा है ऊपर, सबसे जनरल पर क्लिक करना है, जो अनटिक है उसको टिक कर देना है, सिंपली से टिक करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ अच्छा नहीं करना है इसमें, आप वीडियो को देखते रहिएगा। जो आपको यहाँ पर इंड दिख रहा है इंड पे क्लिक करना है, ऑन सेट कर देना है। ऑन सेट करने के बाद आपको नीचे भी सेंट्रल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ऑन सेट कर दीजिएगा। ऑन सेट करने के बाद सिंपली से यहाँ पर जनरल को ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट एल्बम आर्ट दिख रहा होगा सबसे लास्ट में, इस पर क्लिक करके और तीनों को अनटिक करिएगा। अनटिक करने के बाद यहाँ आपको ऊपर में ब्लर दिख रहा होगा, ब्लर पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको ये टिक रहेगा तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली कलर पर जाइएगा, कलर के ऊपर आपको एक कलर दिख रहा होगा, कलर के ऊपर कलर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। जो वाइट के ऊपर जो ब्लैक दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा। ब्लैक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऊपर करिएगा। ऊपर करने के बाद जो आपको ये वाला दिख रहा है इस साइड करिएगा तो देखिए हमारा फोटो शो हो जाएगा। शो होने के बाद इस पर कलर पर क्लिक कर देना और बैक करना है। बैक करने के बाद देखिए अब क्या करना है, चैनल नाम 2, इस पर जो दिख रहा है चैनल नाम इमेज के नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है और जनरल पर जाना है, इसको टिक कर देना है। देखिए हमारा लोगो आ जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली से अपना लोगो लगाना है। तो ये मेरा नाम है तो मेरा पहले का चैनल का नाम था, तो इस पर क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करके पिक इमेज कर लीजिएगा और जहाँ भी आप अपना फ़ोटो जब बना के रखें, मतलब अपना लोगो बना के रखें, तो देखिए मैं अपना एक लोगो भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरा ये लोगो लगा दिया, देखिए हमारा वहाँ पर लोगो लग जाएगा। तो अपना ऐसे ही लोगो लगा लीजिएगा और बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद सिंपली से तो इसके बाद क्या करना है देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आप वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट दिख रहा है टेक्स्ट 3, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जनरल पर जाइएगा और इसको क्या करना है आपको बता देता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनाइए, जनरल पर क्लिक करके इसको जनरेट एल्बम में नीचे सबसे जाना, जनरेट एल्बम आर्ट, सबको इसको ऑन टिक कर देना। ऑन टिक करने के बाद सिंपली इसको टिक कर देना, उसके कलर पर जाना है। कलर पर जो आपको वाइट दिख रहा है ब्लैक मतलब वाइट दिख रहा है, वाइट के ऊपर ब्लैक, उस पर क्लिक करिएगा और सिंपली से ऊपर जाइएगा और इसको ऐसे कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये आ जाएगा न्यू क्रैश वाला। न्यू क्रैश वाला आपको शो नहीं होगा अभी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आपको ब्रश फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, ब्रश पर क्लिक करिएगा, जनरल पर जाइएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। देखिए हमारा ब्रश भी आ जाएगा। उसके बाद बैक आइएगा, बैक आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पार्टिकल बिना स्टेटस टच 5, इस पर क्लिक करिएगा। प्लीज इस पर क्लिक करके उसके बाद जनरल पर जाइएगा, इसको टिक कर दीजिएगा और जनरल पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा। ओवर स्लीप पर जाइएगा, उस पर जो आपको ये कलर दिख रहा है यहाँ पर कलर इसके सामने ब्लैक हो गया, देखिए ब्लैक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको इधर कर दीजिएगा। इधर करने के बाद सिंपली बैक आइएगा, फिर से बैक आने के बाद सिंपली पार्टिकल पर फिर से क्लिक करिएगा और ओवर स्लेप पर फिर से क्लिक करके फिर आपको कलर पर वही वाला काम आपको करना है, इस पर क्लिक करके इसको ऊपर करके इधर कर देना है। करने के बाद फिर भी बैक आएंगे, फिर से बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है पार्टिकल 6 मतलब 6 प्लीज कमेंट, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद जनरल पर क्लिक करिएगा
और इसको टिक कर दीजिएगा, और ओवर स्लिप पर क्लिक करके इसको कलर धके इस पर जो भी फिर से काम करना है इस पर इधर कर दीजिएगा। और हमारा जो 2 नंबर वाला है पार्टिकल जो आपको दिख रहा था 6 यहाँ पे, इस पर क्लिक करके जनरल में जाके इसको टिक कर देना है। तो 10 इसके बाद बैक करना है, तो हमारा सारा काम हो गया है। इसके बाद बैक आइएगा तो देखिए हमारा न्यू क्रेश वाला अभी मतलब पूरा से अच्छा से दिख नहीं रहा है। तो इस पर क्या करेंगे, फिर से पेंसिल पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट 3 पर जाएंगे। टेक्स्ट 3 पर जाके यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 2 लाए ऊपर से 2 नंबर इस साइड, नीचे से 2 नंबर भले, तो इसको क्लिक करके इसको बस टिक कर दे। देखिए हमारा न्यू क्रेश वाला हो गया और टेम्पलेट भी बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो कभी लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ऐसे टेम्पलेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर मतलब डेली वहाँ से आप टेम्पलेट मिलता रहता है और 4K फोटो मिलता है, ऐसा आपको जाकर बना लीजिएगा। अगर एनी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए हम आपको साइज भी बता देते हैं। सिंपली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है तीर वाला आइकन, इस पर क्लिक कर देना है और देखिए 19, 20, 10, 80 और जो MPS 30 है इसको 60 कर सकते हैं HD में आपको बनाने के लिए, और जो 18 में किया हूँ उसको 21 कर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको 4K HD में क्वालिटी में होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिएगा। देखिए मैं एक्सपोर्ट करके रखा हूँ पहले से, तो कोई मैं नहीं कर रहा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।